वेलकम 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 बैक। अबे भोसड़ी के पहले नीचे तो देख यार। वैसे एक बात है कि माशाल्लाह से डॉलर भी नीचे आ गया, लेकिन कोई आंटी नीचे नहीं आ रही यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे यार। बड़ा फर्क है हम पठानों में और अंग्रेजों में। मतलब ये कि जैसे अंग्रेज को कोई तंग करता है तो वो कोई उसे आगे से कहता है कि डोंट डिस्टर्ब मी। हम पठान लोगों को कोई तंग करता है हम क्या बोलते हैं, जलाड़ सा गिन मनी सा पखड़ के गिन दर को हम जलाड़ सा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है टेक्निकल लोडू, जिसको नॉलेज का ना आन का ना गान का, फिर भी ज्ञान चौधे पूरे ब्रह्मांड का। तो इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास कुछ सवाल आते हैं जो अपने गेस्ट से पूछेंगे, तो भेज दो यार टेक्निकल लोडू को। आइए आइए, वेलकम टू बकचोद महफिल। जैन भाई कैसे हो, ठीक हो? बैठे 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 यार। वैसे जैन भाई एक बात है, आपकी बियर्ड और मेरी बियर्ड का साइज मुझे तकरीबन सेम लग रहा है यार। तकरीबन सेम ही है, फर्क होगा तो सिर्फ उस चीज का। भाई आपको वेलकम करते हैं फैमिली शो में। ये दरअसल फैमिली शो है, इसमें हम गेस्ट से सवालात करते हैं तो आगे से बहुत अच्छे अच्छे जवाबात मिलते हैं, तो इसी वजह से हमने आपको बुलाया। तो आपसे बहुत सारे सवालात करने हैं, तो क्या आप जवाब देने को तैयार हैं? तैयार, इसी वजह से आया बिल्कुल। तो भाई सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे, आप मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब बैंक में होते हैं। तो आपके वालिद साहब पढ़े लिखे हैं क्या? अबे नहीं बे, मेरे वालिद साहब वहाँ के गार्ड हैं। तो आप क्या करते हो फिर? मैं लोगों को खुश करता हूँ। तो मतलब आप गांडू हो क्या? अबे भोसड़ी के मीमर हूँ, मीम बना के लोगों को खुश करता हूँ। सॉरी यार, मुझे लगा शायद। तो फिर आपका भाई क्या करता है वैसे? मेरा भाई असल में मर्दों को तैयार करता है। अच्छा, आपके भाई का सलून है? नहीं नहीं, वो हकीम है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो जैन भाई आप मुझे ये बताएं, कभी आपने कुत्ते को गौर से देखा है? हाँ क्यों नहीं, कुत्ते को मैंने गौर से देखा है। देखा है आपने, तो आपने कुत्ते से क्या सीखा? मैंने कुत्ते से सीखा, आप यकीनन यही बोलोगे मैंने वफादारी सीखी है। नहीं, मैंने कुत्ते से वफादारी नहीं सीखी। तो फिर आपने क्या सीखा है? मैंने कुत्ते से सीखा है डॉगी स्टाइल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जैन भाई एक आंटी है, सही है, उनकी चाय बहुत मशहूर है मार्केट में। तो एक दिन उन्होंने एक लड़का काम पे रखा और उनको चाय दी लड़के को कि जाओ मार्केट में सेल करके आ जाओ। लेकिन वो लड़का गया मार्केट में, कोई खरीदने वाला था ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये चाय किसकी है। तो वो लड़का वापस आंटी के पास आया, आंटी को कहता है कि यार आंटी कोई खरीद ही नहीं रहा मुझसे। तो आंटी ने बोला कि बेटा मार्केट जाओ और आवाज़ें लगाते हुए जाओ कि आंटी की चाय, आंटी की चाय, आंटी की चाय, तो आपसे हर कोई खरीद लेगा। तो वो लड़का मार्केट गया, इसी तरह आवाज़ लगा रहा है आंटी की चाय, आंटी की चाय, आंटी की चाय, तो सब ने खरीद ली। तो आप मुझे ये बताएं, अगर वो आंटी चाट बेचती हो तो ये लड़का कैसे आवाज़ें लगाता हुआ जाएगा मार्केट में? गुड क्वेश्चन। हाँ तो वो लड़का मार्केट में यही आवाज़ें लगाएगा ना कि आंटी की चाट लो, आंटी की चाट लो, आंटी की चाट लो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैन भाई ये बताएं, अगर आपको सुबह दिया जाए तो आप अपने सुबह का नाम क्या रखेंगे? मैं अपने सुबह का नाम मुखलिस्तान रखूंगा। जैन भाई ये बताएं आपकी एज क्या है? मेरी एज यही कोई 23-24 साल। 23-24 साल, यार मुझे लगता है आपको शादी कर लेनी चाहिए यार। नहीं नहीं, अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, पहले मुझे कुछ बड़ा करना है। हाँ तो किसी अच्छे से हकीम को दिखा दो, कर देगा बड़ा। बे भोसड़ी के जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ। मुझे लगा शायद आप हथियार की बात। नहीं नहीं, हथियार तो शुरू से कड़क है। हथियार टेढ़ा है सीधा है? यार टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर तो तुम्हें कौन सा सीधा करा के स्नूकर खेल रहा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वैसे जैन भाई मैंने सुना है आपकी ABCD बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, मेरी ABCD बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मतलब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ बीच में, तो आप जवाब दे दोगे? मतलब कुछ भी पूछ लो। तो आप मुझे ये बताएं के से पहले क्या आता है? ठीक है जी, के से पहले आता है भोसड़ी। भोसड़ी मतलब भोसड़ी के। इस तरह तो मेरी मैथ भी बहुत अच्छी है। अच्छा आपसे कुछ भी पूछ लूंगा, बता दो। आप बीच में पूछ लें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अच्छा ये बताओ, दो से पहले क्या आता है? दो से पहले गांड आती है।
मतलब गांड दो, दो से पहले गांड आ गई ना, दो सवाल दे दे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कुत्ती कल की गुद्दी बचपन में होता था भड़वे, अभी जवानी में बुद्धि होता है, गुद्दी थोड़ी होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रात फतेह अली खान साहब कहते हैं कि साजिश में शामिल सारा जहां है, तो ये बताएं अगर हम कराची वाले ये अल्फाज बोले तो ये हम कैसे बोलेंगे? हाँ, तो हम कराची वाले यही बोलेंगे कि इस बड़वत में सबकी माँ जुदाई शामिल है। तो सवाल है वैसे ही जहन में आया, जैसे ये है एक बॉल, ये है दूसरी बॉल, तो आप मुझे ये बताएं हमारे दरमियान टोटल कितनी बॉलें हो गई? हमारे दरमियान है टोटल 6 बॉल। 6 किधर से हो गई है, तो 2 हैं, 2 ठीक है, 4 6 वैसे जैन भाई आप सिगरेट पीते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं सिगरेट नहीं। आप नहीं पीते? नहीं। आपके दोस्त पीते हैं? मेरे सारे दोस्त पीते हैं, मैं नहीं पीता। अच्छा, आपके सारे दोस्त सिगरेट पीते हैं, आप नहीं पीते? हाँ। तो क्या मतलब एक दिन आपके सारे दोस्त मर जाएंगे, आप इस दुनिया में गांड मरवाओगे? पिया करो भाई सिगरेट, अच्छी बात होती है। हाँ हाँ, पिया करो यार। वैसे आइंस्टाइन ने क्या खूबसूरत बात की है कि रिस्क लो या मौका गवा दो। हाँ यार, ये बहुत अच्छी बात की है। लेकिन बहुत अच्छी बात बोली आइंस्टाइन ने ना, कि रिस्क लो या मौका गवा दो, बहुत अच्छा। लेकिन वैन के लोड़े आइंस्टाइन उर्दू कब बोलता था? उसका ताल्लुक सखर से नहीं था क्या? अबे भाई वो अंग्रेज था, उर्दू कब बोलता था वो? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जैन भाई मुझे ये बता, मैं जब ब्रूस ली जानते उड़ती भी यहाँ कहाँ गई? प्रैक्टिक में भी बैठ जा, प्रैक्टिक नहीं प्रैक्टिस होता है बहन के लौड़े, उधर जा। जन भाई इस जुमले को पूरा करें, ख्वाब जो देखे बड़े बड़े, लोड़े लग गए खड़े खड़े। तो इस जुमले को अब आप मुकम्मल करें जी। लड़कियां बहुत गम देती है पर आंटियां बेगम होकर देती हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैन भाई ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है आपसे, जैसे बचपन में हाथ जाली, याद है हाथ जाली लट्टू लट्टू, तो जवानी में हाथ गाड़ी, अभी जवानी में, तो आप मुझे ये बताएं आगे फ्यूचर की क्या प्लान है आपके? बिग बॉस चाहते हैं कि आप इस बकचोद महफिल में इस तरह के पर्सनल सवाल ना करें, वरना आपकी गांड में डंडा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है बिग बॉस, अब नहीं, अब ठीक है बिग बॉस, बिग बॉस ठीक है, अब नहीं करूंगा पर्सनल सवाल, ठीक है, सॉरी सॉरी। जैन भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यार आपने अक्सर नोट किया होगा बारात वाली रात मियां बीवी जब आपस में स्टेज पे बैठे हुए होते हैं तो आपस में बात नहीं करते, चुप करके बैठे हुए होते हैं, सलाम तक नहीं करते एक दूसरे को, नोट किया आपने? तो ये बताएं ये वली में वाली रात आपस में बैठ के गपशप क्यों करते हैं असस के? इंग्लिश आती है आपको? हाँ क्यों नहीं आती है। हाँ चलो इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बात करें। ओके वेट वेट वेट, 55 kg खत्म, बाय बाय टाटा। यार ये एक गाली है, ये आप मुझे बताएं कौन सी गाली है? अगर मैं आपको यूं उल्टा होके यूं बोलूं, मतलब गांड नहीं देखो इधर देखो, हाँ तो अगर मैं आपको बोलूं कि लोड़े के बहन, तो ये कौन सी गाली हुई? ये हुई बहन के लोड़े, उल्टा होके गाली दी, लोड़े के बहन, बहन के लोड़े। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैन भाई ये बताएं आप मियां खलीफा को जानते हैं? नहीं मैं कौन नहीं देखा। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती, लेकिन एक सेकंड, मियां खलीफा को कैसे जानता भाई कि वो फोन बनाती है? सॉरी कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अजैन भाई इतने सारे सवालात हो गए, तो आप मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं ये जो लोग यहाँ बैठे हो
पीछे पांच शेख तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, केले का शेख हाथ में होगा उसके। केले का शेख नहीं, भोसड़ी के शेख का केला हाथ में। शेख का केला हाथ में, बाग गांड बचा अपनी। अबे भाई, आखिरी सवाल तो पूछ। अबे मां, आखिरी सवाल, अपनी गांड बचा, शेख का केला है। शेख